हेलो गाइस, वेलकम टू कुमार क्लासेस। हम लोग देखेंगे आज एक और शॉर्ट ट्रिक का एक वीडियो। क्वेश्चन ये है कि एक मजदूर जो है वो आपको इस शर्त पे, मजदूर को जो है ना ठेकेदार द्वारा नियुक्त किया जाता है कि उसके काम की प्रत्येक दिन को जो है ना आपको कितना पैसा मिलेगा, आपको उसके वो जो काम करेगा उसके लिए उसे 75 रुपए मिलेगा। एक दिन का कितना मिलेगा बेटा? 75 रुपए मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसके अनुपस्थित रहने पर, उसके क्या अनुपस्थित रहने पे आपको 15 रुपए जो है ना उसको जुर्माना लगाया जाएगा, मतलब 15 रुपए उसे काटा जाएगा, ठीक है। ये जुर्माना आपको लगाया जाएगा, ठीक है। 20 दिनों के बाद ठेकेदार ने मजदूर को 1140 रुपए का भुगतान दिया। मतलब वो 20 दिन तक काम करता है, उसमें कुछ दिन एबसेंट रहता होगा और कुछ दिन काम करता होगा। मतलब 20 दिन टोटल जो है ना काम होता है, बीच में एबसेंट के साथ, अनुपस्थिति के साथ 20 दिन के बाद उस मजदूर को जो है ना टोटल कितना पैसा मिलता है आपको? 1140 मिलता है, ठीक है। अगर वो 20 दिन जो है ना काम करता तो उसको मिलता कितना? 1500। इसका मतलब साफ है कि 1140 मिल रहा है, मतलब वो 20 दिन तक काम नहीं कर रहा है, मतलब कुछ दिन अनुपस्थित रहता है बीच में। कितने दिनों में आपको, कितने दिन मजदूर अनुपस्थित रहा? क्वेश्चन ये है कि कितना दिन तक जो है ना मजदूर अनुपस्थित रहता है। अगर वो 20 दिन तक काम करता तो 20 दिन, एक दिन का कितना रुपए उसे मिल रहा है? 75 रुपए मिल रहा है। एक दिन का कितना? 75। तो अगर वो जो है ना 20 दिन तक काम करता तो उसको टोटल मिलते 1500, लेकिन मिल रहा है उसे कितना भाई? उसे मिल रहा है 1140 रुपए। कितना मिल रहा है? 1140 रुपए। मतलब उससे 360 रुपए का लॉस हो रहा है ओवरऑल। उसे कितने रुपए का लॉस हो रहा है? 360 रुपए का। तो सबसे पहली बात तो उसको, मतलब 360 रुपए का लॉस हो रहा है, इसमें आपको उसको एक दिन का तो उसको काम करने का 75 रुपए का लॉस हो रहा है, ठीक है, और 15 रुपए उसको अनुपस्थित होने का जो है ना काटा जा रहा है। मतलब उसको एक दिन का टोटल कितना लॉस हो रहा है बेटा? 90 रुपए का लॉस हो रहा है। अगर वो एक दिन अनुपस्थित होता है तो 75 जो मिलना था वो भी नहीं मिलेगा, और 15 रुपए जो है ना आपको उसको जुर्माना लगाया जाएगा, मतलब 90 रुपए का एक दिन का लॉस है। उसे जो है ना कितने रुपए का लॉस हुआ है टोटल? 360 रुपए का लॉस हुआ है। मतलब कह सकते हैं कि वो जो है ना काम से कितना दिन तक अनुपस्थित रहता है? वो 4 दिन तक जो है ना काम से अनुपस्थित रहता है। अगर हम लोग आज देखेंगे अलजेब्रा का एकदम आसान सवाल, जो कि हर एक एग्जाम में आजकल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि x प्लस वाई का वैल्यू जो है ना 14 दिया हुआ है। x प्लस वाई कितना दिया हुआ है आपको? 14 दिया हुआ है। तो हमें निकालना है आपको एक्स क्यूब प्लस 42xy + y³ का मान। अरे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो है ना इक्वेशन क्या है? एक है, और वेरिएबल कितने हैं? दो हैं। जब आपको इक्वेशन एक है और वेरिएबल दो है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी एक का जो है ना वैल्यू हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स या वाई का किसी का भी कुछ भी मान हम लोग 1, 2, 3, 4 कुछ भी रख सकते हैं। तो सबसे आसान होता है आपको 0 रखना। तो जैसे ही हम यहाँ पे वाई का वैल्यू 0 रखेंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपको? 14 आ जाएगा। और इस इक्वेशन में जो है ना हम लोगों को क्या करना है, हमें निकालना किसका है वैल्यू? इस इक्वेशन का, एक्स क्यूब प्लस 42xy + y³ का मान। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे y का वैल्यू पुट करेंगे 0, तो ये पूरा का पूरा जो है ना 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी y का, तो ये भी 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे टोटल 0, ये 0, मतलब हमें निकालना है सिर्फ और सिर्फ एक्स क्यूब का वैल्यू। तो एक्स क्यूब का वैल्यू जो है ना, मतलब x का वैल्यू कितना था हमारा? 14 था। तो यहाँ पे 14 का जब होल क्यूब करेंगे, 14 का क्यूब करेंगे, तो हमें आंसर आएगा आपको 24274।